सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में। दोस्तों, हमने एक अध्याय कल ले लिया है, सामान्य ज्ञान परिचय, एमपी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण परिचय हमने दिया था। उसका काफी सारे लोगों ने फायदा उठाया है। आप पुराना वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें तो आप और मजा आएगा। हालांकि ये वीडियो भी देखकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, साथ में पीईबी की भर्तियां भी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, दोनों के लिए जहां पर भी दोस्तों देखिए, बहुत सारे एग्जाम है जहां पर एमपी का जीके, जो कि अगर मध्यप्रदेश के लोग भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने हर एक चीज, हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की कोशिश करी है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, अंत तक देखिए। और इस वीडियो में, ये हमारा सेकंड वीडियो है, ऐसे कम से कम 20 से 25 वीडियो आएंगे जिसके माध्यम से आप कंप्लीट जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ। साथ साथ आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे एमपी के दिग्गज IAS यानी कि मंत्रा IAS एकेडमी के डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र तिवारी जी। हमारी टीम और बड़ी हो रही है, धीरे धीरे एमपी के टॉप एजुकेटर्स हमारे चैनल पर आने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और बता दें कि हमारा जो टाइमिंग है अब वो फिक्स हो चुका है, सुबह 8 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे लाइव। दोस्तों देखिए, अभी ये लाइव नहीं है, हम आपके जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, और लेकिन अंत तक देखना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत आनंद आने वाला है। और शाम को 6 बजे आपको MCQs मैराथन में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पर हम आपसे लाइव क्वेश्चन पूछेंगे और आपके आंसर भी देंगे, आपके जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, बन रहा है हमारे साथ सुबह 8 बजे एमपी के कंप्लीट कोर्स के लिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए एमपी जीके का, और दूसरा एमपी जीके के MCQs को देखिए पढ़ाई हम कर लेंगे, उसके बाद उसके MCQs लगाएंगे तो और आनंद आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, anacademy.com/@dinesh.en22, या फिर दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर के नाम से आप सर्च करके डायरेक्टली हमको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसके बाद आप अपना गोल चूज करें, एग्जाम्पल MPPSC/व्यापम, इसमें दोनों एग्जाम कवर होती है, इसलिए हम क्या गोल चूज करेंगे MPPSC/व्यापम। दोस्तों, व्यापम की जगह पर पीबी हो चुका है, लेकिन व्यापम भी नाम आपका वही रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है वो आपको बता देते हैं बहुत ही आसान तरीके से, फटाफट 2 मिनट में कवर कर देता हूं। एक तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, यानी कि आप जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, हिंदी इंग्लिश मलयालम में आप पढ़ाई कर सकते हैं और अदर लैंग्वेज भी पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्विजेज है, और सबसे बेहतरीन तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, जिसमें की फैकल्टी खुद, यानी कि जो भी एजुकेटर रहेगा, खुद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आपको क्वेश्चन बना के देगा और आपके डाउट वहां पर क्लियर करेगा। और साथ साथ टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं, वहीं पर डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स है, और कहीं पर भी देखिए, मोबाइल का जमाना आ गया है, अब कौन ज्यादा पढ़ाई करने दो यार, केवल घर बैठ के जब देखो जब पढ़ाई कर सकते हो, 24/7 आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर एमपी ही नहीं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, और एक ही सब्जेक्ट के मोर देन 143, यानी कि बहुत सारे टीचर होते हैं, कम से कम 5-5 टीचर एक सब्जेक्ट के लिए कई बार तो हमको देखने को मिले हैं। तो आप सभी टीचर से उनके ज्ञान के, नॉलेज के भंडार को ले सकते हैं। यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा और चालू हो चुका है। देखिए, यहाँ पर सभी लोग लाइव भी पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराते हैं, वो सब चीजें जो आपको चाहते हैं सब यहां पर मिलता है। देखिए, हमारा भी एक लाइव जो कोर्स है वो चालू हो चुका है, क्रैश कोर्स ऑन फैक्ट अबाउट मध्य प्रदेश, बिल्कुल इसको आप देखें, दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर के नाम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब देखिए, इतने सारे फायदे बताए हमने आपको, तो क्या फीस भारी भरकम है? बिल्कुल नहीं, फीस बहुत ही नॉमिनल है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाओगे, 50-60 हज़ार रुपये फीस आपको खर्च करनी पड़ेगी, रहना खाना अलग, अगर आप किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं तो। अब दोस्तों, मैं इंदौर से, सागर से तिवारी जी, ऐसे ही आपको जितने भी टीचर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज टीचर जो भी रहेंगे, एमपी के बेस्ट टीचर, वो आपको पढ़ाएंगे अकेडमी प्लस पर। लेकिन 12 महीने, यानी 1 साल का जो कोर्स है, ये आपका 6,300 का पड़ रहा है। देखियो, है इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 7,000। 7,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन DT Live हमारा रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे तो आपको 6,300 रुपए में ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा, 12 महीने का, बिल्कुल 12 महीने का। डीटी लाइव यूज करें और 6,300 में कोर्स ले सकते हैं, बहुत सस्ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, लेकिन आपका गोल एमपीपीएससी है और आप छोटी क्लास में है, तो 24 महीने का कोर्स भी आप ले सकते हैं, डीटी लाइव,
यूज करेंगे तो जो जो ये 11,000 का कोर्स है ये 10,080 रुपए में पड़ेगा 10% डिस्काउंट। देखिए डीटी लाइफ केवल एमबीपीएससी के लिए नहीं है, कोई भी आप कोर्स खरीदें 10% डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। एमबीपीएससी सीएससी एसएससी और चाहे कोई भी एग्जाम आप करें आईआईटी जेई के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स अवेलेबल है बड़े बड़े चीज के माध्यम से, तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारा जो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय ये है पार्ट टू यानी कि भाग दो, कल हमने पार्ट एक करवा चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर देखें। चलिए एमपी प्रदेश एमपी का संपूर्ण ज्ञान कंप्लीट कोर्स हम शुरू करने जा रहे थे, पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा आज का है, ऐसे ही आपको आगे भी आते रहेंगे तो अंत तक देखिएगा कहीं मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के हमने केंद्र बिंदु वगैरह हमने कल पढ़ाई दिए थे, आपको पता होगा केंद्र बिंदु अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसली यहाँ पर बैतूल है आपका, क्या है बरसाली, यानी कि ये बरसाली है ना, बरसाली बैतूल है, मंगलनाथ उज्जैन जो है ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है करौंदी कटनी, और ये वर्तमान भारत का है विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है सागर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बहुत सारी चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी कल, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपको बता दें, हमने जो भी चीजें कवर करी थी उसको आप पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा, आज हम उसके आगे का पार्ट कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चीज हमने आपको बता भी दी थी कि सर्वाधिक 10 की यानी 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला जो जनसंख्या वृद्धि करने वाला इंदौर है, और झाबुआ उसके बाद भोपाल, उसके बाद सिंगरौली, उसके बाद बड़वानी, ठीक है ना। और कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 10 तक कितनी हुई है 1,22,78,786। चलिए न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाला अनूपपुर और बैतूल, तो बैतूल को आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही, बड़वानी अभी करंट में चल रहा है, निवाड़ी भी करंट में चल रहा है, दतिया 2011 में है, जनगणना 2011 के अनुसार दतिया ही अभी तक चल रहा है, 2021 की जनगणना के बाद सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे। तो अभी तो अगर 2011 के माध्यम से पूछे तो आपको जनगणना में वही आएगा, अगर वर्तमान का पूछे तो फिर निवाड़ी आएगा, जो कि आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं ये, ठीक है। अंत में रहना, कहीं मत जाना, क्वेश्चन भी पूछूंगा, समझाऊंगा भी, और जितनी भी चीजें हो सकती है दोस्तों एमबीपीएससी और सब कुछ बारीक से बारीक चीजें आपको क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पिछला वीडियो जरूर देख लेना है ना, भूलना मत। न्यूनतम घनत्व वाले जिले, एक सबसे नंबर पर वन पर डिंडोरी, दूसरे नंबर पर श्योपुर, थर्ड पर पन्ना, फिर रायसेन बैतूल, फिर छठवें पर सिवनी और सातवें पर उमरिया। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है आपको यहां पर दिख रही है, 72% ग्रामीण और 27% शहरी है, ठीक है ना। इसमें 5,25,57,404 जो है ये है ग्रामीण, और 2,69,00 यानी कि 69,469,405 आपकी शहरी आती है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति जनजाति और एससी एसटी वाले जिले, तो सबसे ज्यादा एससी एसटी कहां पाई जाती है, इंदौर में एससी जनसंख्या, और फिर उज्जैन में, फिर सागर में, ठीक है ना। न्यूनतम एससी वाला में झाबुआ और अलीराजपुर आता है, यह आप याद रख सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्चुअली कल कवर करा चुका हूं, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। चलिए एससी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाले जिले, एससी जनसंख्या में प्रतिशत के माध्यम से बोल रहा हूं, अधिकतम तो आपका क्या आ रहा है इंदौर, लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो उज्जैन में एससी की जनसंख्या ज्यादा है, दतिया में प्रतिशत में उससे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है। एससी जनसंख्या की न्यूनतम एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले, तो झाबुआ में सबसे कम एससी एससी पाए जाते हैं, उसके बाद अलीराजपुर और फिर डिंडोरी और फिर आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है एससी का, नोट कर लीजिए। और देखिए मेरी क्लास में पेन कॉपी लेके जो बैठे हैं, लोगों ने बोला सर रेगुलर आना, रेगुलर आपको एक से बढ़कर एक जानकारी यहां मिलेगी और सारी की सारी डिटेल जानकारी मिलेगी, जो कि आपको कहीं और नहीं जाना है, सब कुछ हम यहाँ पर बहुत सारी बुक से बहुत सारे नेट से सब कुछ खंगाल कर आपको उचित जानकारी लेकर आते हैं। एमपी में अनुसूचित जाति जनजाति एसटी की जनसंख्या, अभी तो शेड्यूल कास्ट था, अब शेड्यूल ट्राइब कास्ट आ गया है ना, तो 1,53,16,784 अधिकतम एसटी जनसंख्या वाले जिले। देखिए दोस्तों सब कुछ 2011 की जनगणना से है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो क्रिएट करना, अगर आप लेटेस्ट सर्च करेंगे तो अभी की जनगणना अलग आई, जनगणना तो हुई नहीं है, 2021 में होगी, तो आप ऐसा ना सोचे कि यार ये गलत है,
भाई 2011 की जनगणना उठा के देख लो, सब कुछ सही आएगा। वर्तमान का अलग आएगा, वो हम बाद में अपडेट करते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं आपको कि क्या पूछा जा सकता है। अभी हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी, अंत तक बने रहना है, कहीं मत जाना। अधिकतम एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और खरगोन। तो एसटी में आपको क्या जाएगा, धार और बड़वानी आप याद रख सकते हैं एसटी में। न्यूनतम एसटी वाले में भिंड सबसे कम एसटी है, कहा भिंड में, उससे थोड़ा ज्यादा दतिया और उससे मुरैना। तो टॉप टॉप याद कर लो, बहुत है, पांच पांच तक हमने लिख दिए हैं आपको। आप चाहे तो अच्छी डीप स्टडी के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने क्वेश्चन जब एमसीक्यूज लगा रहे थे तब ऐसा आया था कि एसटी एसटी जनसंख्या वाले जिले झाबुआ, छिंदवाड़ा, बड़वानी, एक में दिया है, एक में दिया है मुरैना, मंदसौर, शाजापुर, एक में दिया है भोपाल, श्योपुर, खंडवा। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें करवाते हैं। देखिए दोस्तों, ये चल रहा है प्रीमियर, ठीक है, ये चल रहा है प्रीमियर, इसमें हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपके कमेंट के जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइव हैं तो कमेंट जरूर करते जाना। बट हम दो दिन में मंडे के बाद सोमवार से हम लाइव आना शुरू हो रहे हैं, ये खुशखबरी आपके लिए है। अब इंतजार घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, लाइव आएंगे तो आपके और इंटरेक्शन बढ़ेगा और ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप नेक्स्ट क्लास में जुड़ सके। कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। पिछला वीडियो भी देखा होगा ना, ये भी जरूर देखिए, दोनों वीडियो जरूर देखना, तब जाके मजा आएगा पूरा। एसटी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले, देखिए अधिकतम प्रतिशतता की बात कर रहे हो, कितने हैं वो निकल गया, अब परसेंट की बात चल रही, परसेंट कितने हैं। तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा परसेंट एसटी का है, उसके बाद झाबुआ में है, उसके बाद बड़वानी में है, टॉप थ्री, ठीक है, बहुत है। एसटी जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत वाले, परसेंट वाले, ठीक है ना। देखिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर मत करना, ये है जहां पर एसटी ज्यादा जनसंख्या है, कौन सा, धार और बड़वानी। सबसे कम एसटी कहां जनसंख्या, दतिया, भिंड और दतिया में, लेकिन ये परसेंट की बात चल रही थी। थोड़ा सा आप इसको नोट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा नोट बना सकते हैं बना सकते हैं, हमारा वीडियो भी बार बार देख सकते हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी तो देखो दो चार दिन की बात है, दो दिन की बात और है, इसके बाद तो हम आपसे बातचीत भी करेंगे, तो आप जो पूछ रहे हैं उसमें पूछ भी सकते हैं और हम उस चीज को हैंड टू हैंड सॉल्व भी करवाते जाएंगे। तो बिल्कुल एमपी के एमपीपीएससी में सबसे बड़ा चैनल, एमपीपीएससी का सबसे बड़ा चैनल है अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है, अपने सबको, सबरे मित्रों को बता देना भाई, कल से आपको यही आना है, एमबीपीएससी की फुल फ्लैश तैयारी, व्यापम की फुल फ्लैश तैयारी यहां पर होगी, तो आपको इस हमारे चैनल पर बने रहना है। राज्य में लिंग अनुपात, देखिए लिंग अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंग अनुपात आता ही आता है, देखिए कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो एमबीपीएससी में नहीं आएगी, और आए हुए क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, साथ में ऐसी चीजें दोस्तों जिन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, हम उस पर ध्यान भी देंगे, ये इंपॉर्टेंट। अभी तक जो पढ़ रहा था उसमें तो थोड़ा सा क्या वो डीप स्टडी होगी, लेकिन लिंगानुपात बहुत कॉमन है, क्वेश्चन आता है। तो 931 महिलाओं पर 931 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, तो ये लिंगानुपात है यहाँ का, बिल्कुल ये लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार फिर से बता रहा हूं है। शिशु लिंगानुपात है 918 बालिकाएं 1000 प्रति बालक पर, ठीक है ना, 918 बालिकाएं 1000 प्रति बालक पर, यह शिशु लिंगानुपात है और ये आपका वयस्क लिंगानुपात है। लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में राज्यों का क्रम वयस्क अनुपात में 20वां और शिशु अनुपात में 21वां। फिर से देखिएगा, लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में राज्यों में क्रम जो है हमारे यहाँ वयस्क अनुपात में 20वां और शिशु लिंगानुपात में 21वां स्थान हमारा लगता है एमपी का। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश लिंग अनुपात वाले जिले सर्वाधिक में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जहां पर है बालाघाट, फिर है अलीराजपुर, फिर है मंडला, फिर है डिंडोरी, उसके बाद आता है झाबुआ, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, देन शिवपुरी, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर दोस्तों आपको कभी भी कुछ भी पूछना हो ना, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, कमेंट भी कर देना, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अच्छा अच्छा कमेंट करना, एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको फ्यूचर में हमारे लिए इंकरेजमेंट है, ये लाइक का मतलब है हमारे लिए इंकरेजमेंट है कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगा तो। राज्य में कुल साक्षर दर है 69.32%, पुरुष साक्षर दर 78.73%, महिला साक्षर दर
59.24%, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से आपको लिखना है, याद करना है, अपने हिसाब से नोट बना लो, हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अन अकेडमी स्टूडियो प्लेज पर डीपेस्ट नॉलेज आपको, यानी कि पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, एक के ज्यादा दो दो तीन तीन चार चार फैकल्टीज के माध्यम से। तो प्लस इसलिए बोलता हूं मैं कि यहाँ पर हम आपको देखिए कुछ लिमिटेशंस है, यूट्यूब पर उतनी ज्यादा देर तक हम क्लास नहीं ले पाते, वहां पर पूरा का पूरा शेड्यूल है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर आप यूट्यूब पर चार पांच दिन में जो भी आपको दे रहे हैं, पिछला अब क्या है, यूट्यूब पर तो गाने भी आते हैं, मूवीज भी आती हैं, आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है। प्लस पर ऐसा नहीं है, प्लस पर क्या होता है कि आपको लिंक्ड सारे के सारे कोर्स लिंक्ड मिलेंगे। जो लोग व्यक्ति के जो बच्चा वास्तव में पढ़ाई करता है ना, उसको तो आनंद आ ही रहा है और उसका फीडबैक हमको वहां पर दिख भी रहा है, ठीक है ना। चल इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर भी पढ़ना है वहां पर भी पढ़ना है, ठीक है ना, दो जगह पढ़ना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले जबलपुर सबसे नंबर वन पर है, इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट और फिर ग्वालियर। सर्वाधिक इसके लिए हम आपको परसेंटेज बताने वाले हैं, डोंट वरी, कहीं मैं जाइए सबको परसेंटेज बताऊंगा मैं, ठीक है ना। परसेंटेज न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ, देन बड़वानी। सबसे कम साक्षरता कहां पर है? अलीराजपुर में। नोट कर लो, हम एमसीक्यूज लगाएंगे शाम को, तो शाम को आपको एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। बड़वानी फिर शिवपुर, तो अलीराजपुर देन झाबुआ देन बड़वानी। सबसे कम जो साक्षर वाला जिला है वो अलीराजपुर है, बिल्कुल। साक्षरता की दृष्टि से देश में हमारा क्रम है 28वां, बहुत अफसोसजनक बात है। हमको तो स्वच्छता में नंबर वन आ चुका है इंदौर, लेकिन अभी भी इंदौर साक्षरता में नंबर वन नहीं है, ठीक है ना। 28वां हमारा लग रहा है साक्षरता की दृष्टि से, हमारे राज्य का स्थान है ये। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष दर जबलपुर में है, सर्वाधिक साक्षरता पुरुष दर जबलपुर, देन फिर इंदौर में, ठीक है ना। 87 न्यूनतम साक्षरता पुरुष दर ऑब्वियसली अलीराजपुर में ही कम से कम आ रही है। सर्वाधिक साक्षरता महिला दर है भोपाल में, सर्वाधिक साक्षरता महिला की दर जो है भोपाल में 74.9%। नोट कर लो, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए हर बार 10 साल तक तो एक ही डेटा रहता है यार, 2011 में हुई, 2001 में हुई थी, 2001 में हुई थी जनगणना, 2011 में हुई फिर जनगणना, अब होगी 2021 में जनगणना, तो 21 तक तो ये पूरा पूरा। देखिए हमारा वीडियो का एक चीज ध्यान रखना भैया, कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो पुराना मतलब डेटा जो है पुराना है, कई बार अभी मेरा वीडियो था करंट से करीब एक साल पुराना, उसमें बच्चों ने क्या बोला कि सर अभी तो 52 जिले हो गए और आप 51 नहीं बता रहे हो। भाई डेट देख लिया करो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब हमारा वीडियो बना हुआ है नीचे डेट दी रहती है कि कब पब्लिश हुआ है, उस डेट के अनुसार हमारा सबसे ताजे आंकड़े रहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम किसी जनगणना का रेफरेंस लेते हैं तो वो भी बताते हैं 2011 की जनगणना का रेफरेंस है, 10 साल से ये आंकड़े चले आ रहे हैं, अब उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। बट कोई भी बंदा ये वीडियो अब तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, 2021 के बाद जनगणना के बाद देख रहा है ना, तो ये सारे आंकड़े बदले हुए मिलेंगे, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने गलत बता दिया, ठीक है। चलो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। न्यूनतम साक्षरता महिला दर जो है अलीराजपुर 30.3%, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम अभी कुछ बात कर रहे थे आपसे तो ये एक फैक्ट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? इंदौर में। कितनी है? 19.9 लाख लगभग है, हर चीज में है ना पॉइंट में है, उसके बाद जनसंख्या। भोपाल में लगभग 18 लाख, जबलपुर में 12.7 लाख, 3 लाख उसके बाद सागर, और उसके बाद 2 लाख रीवा, इसके बाद आपकी जनसंख्या और बाकी सब में घटती हुई क्रम में बताई जा रही है। तो जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला नोट कर लीजिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला अब बढ़ते क्रम में, सबसे कम किसकी है? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम है हरदा, कितना है? 74,268। तो हरदा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है, सेंसियस, बिल्कुल 2011 के अनुसार है। उसके बाद आता है उमरिया, उसके बाद आता है शिवपुर, उसके बाद आता है डिंडोरी, उसके बाद आता है अलीराजपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉप थ्री की बताई दी आपको, 74,268, 6.4 लैक्स, 4.4 लैक्स यहाँ पर उमरिया, और 6.88 लैक्स है आपका शिवपुर। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में सबसे पहले जबलपुर, हमने बता दिया था सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? जबलपुर 81.07%। सेकंड नंबर पर आ रहा है इंदौर 80.87%, उसके बाद आता है भोपाल
80.37%, और उसके बाद आता है सागर 76.46%। डोंट वरी, कहीं मत जाना, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल सारा डेटा आपके लिए ऑथेंटिक और सही है, डोंट वरी। और अच्छी सी जानकारी और देने वाला हूं, ये तो आपके लिए काम में आ गई, टॉप फोर दिख गए, याद कर लिए, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चल, अंतर्वर्ती जिले, एक बढ़िया फैक्ट है आपके लिए, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले कौन से कहलाते हैं, पहले तो हम ये बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी जिला हो, देखिए ये राज्यों में भी एक कंडीशन आती है, जैसे एमपी एक अंतर्वर्ती राज्य है, लेकिन एमपी हो, अब एमपी के अंदर जिले हैं तो जिले भी अंतर्वर्ती हैं। अंतर्वर्ती का मतलब होता है कि कोई भी जिला ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को, ना समुद्र को, ना किसी अन्य राज्य को छूता है, यानी किसी अदर जिले से, किसी अदर राज्य से, किसी अदर कंट्री से, या किसी अदर समुद्र परिसीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा है अंतर्वर्तीय जिले। ठीक है, तो अब इनको याद करना है आपको, इसकी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन ट्रिक आपको बताई गई है अनअकैडमी प्लस पर, जा सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फोर्थ क्लास में बताऊंगा, अभी ये सेकंड क्लास है, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है, ट्रिक बताऊंगा, उसमें स्पेशली तीन ट्रिक लेकर आऊंगा मैं, एमपी की थ्री ट्रिक्स, उन थ्री ट्रिक्स को आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे जिले सीक्वेंस में, उनके जिले के मुख्य, एमपी के मुख्यमंत्री, एमपी के राज्यपाल, बहुत सारे ट्रिक्स है, सब कुछ आपको लेकर आएंगे, तो बिल्कुल बने रहना हमारे साथ अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस। अब एमपी का नंबर वन है एमपी पीएससी के लिए, किसके लिए, एमपी पीएससी और व्यापम के लिए, फिर से देखिए पीबी के लिए, सारी तैयारी यहाँ पर होगी, ठीक है ना, वर्ग तीन की तैयारी भी यहाँ पर होगी, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा। ग्वालियर अंतर्वर्ती जिले समझ में आ गए, जिसमें कोई भी अन्य राज्य सीमा नहीं छूती है, और अन्य अपना देखा तो मध्य प्रदेश ही नहीं छूता है किसी अदर कंट्री को और समुद्र को, तो जिले की तो संभावना ही पैदा नहीं होती, तो अब राज्य आते हैं ग्वालियर। इसमें एक और फैक्ट है, वो भी आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार फैक्ट है, रुकना है ना, कहीं मत जाना। ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर, देवास, धार, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, हरदा, होशंगाबाद, यहाँ पर शासक कर आएगा, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एंड मंडला, ठीक है ना, ये वो जिले हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन, टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल कितने जिले हैं, 18, कितने 18, तो मध्य प्रदेश के वे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, कुल संख्या है 18, और उनके नाम रहे आपके सामने, इनको आप याद रख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं, जो आपको बिल्कुल बहुत ही फैक्ट है, सबसे ज्यादा आपको जो ये मैं जानकारी दे रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, नोट करते जाइएगा। सबसे पहला सिंगरौली जिले के बारे में हम एक फैक्ट बताने वाले हैं। सिंगरौली जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, और उसी की सीमा आपकी छत्तीसगढ़ से भी लगती है, किससे, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छूने वाला एकमात्र जिला है जिसका नाम है सिंगरौली, ठीक है ना, सिंगरौली को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका झाबुआ जिला। झाबुआ जिला के पास जाएंगे तो ये राजस्थान, झाबुआ जिला ये आपके राजस्थान और गुजरात, किसको, राजस्थान और गुजरात को छूने वाला जिला है झाबुआ, नोट कर दीजिए, पॉइंट आउट कर दीजिएगा। अब आते हैं हम बालाघाट जिले पर। बालाघाट जिले में देखिए, इधर तो छत्तीसगढ़ आ ही रहा है, तो इधर यहाँ क्या आएगा, महाराष्ट्र। तो बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ को भी छूती है और महाराष्ट्र को भी छूती है, तो नोट कर सकते हैं, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को छूने वाला जो जिला है वो है बालाघाट। नेक्स्ट है आपका अलीराजपुर। अब अलीराजपुर पे भी आपको वही कंडीशन लगेगी, यहां तो गुजरात आ गया, यहां पर क्या जाएगा, महाराष्ट्र। तो अलीराजपुर ऐसा जिला है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता है। अब हम आते हैं दोस्तों ऊपर की साइड, अब अगर यहां पर आएंगे तो मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे जिले हैं जो यहां राजस्थान को भी छूते हैं और इधर उत्तर प्रदेश को भी छूते हैं। देखिए मुरैना तो क्या हो गया, राजस्थान भी आ रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश भी छू रहा है, लेकिन शिवपुरी कैसे, तो शिवपुरी का देखिए ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग ये कहाँ छू रहा है, राजस्थान को, ये वाला कहाँ छू रहा है। देखिए अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना प्लीज, और वीडियो को अब भी रोक दो, शेयर करो दो ग्रुप में, क्योंकि जितने ज्यादा मित्र भी लाइव आएंगे ना उतना ज्यादा आनंद और मजा आने वाला है।
तो देखिए आपको बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं लगने दूंगा, आपको फैक्ट और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, मजा आएगा। तो लाइक आप तो करेंगे करेंगे, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके समय थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, हम फिर शाम को मिलेंगे एमसीक्यूज में, उस समय भी आपको बातचीत रहेगी, ठीक है ना। चलो तो मुरैना और शिवपुरी की हम बात कर रहे थे, तो ये राजस्थान हो गया और ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये आपके फैक्ट है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, अलीराजपुर महाराष्ट्र गुजरात, झाबुआ गुजरात राजस्थान, उसके बाद शिवपुरी और मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया फैक्ट है, नोट कर लो, अपने हिसाब से बना लो, आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। हमने अंतर्वर्ती जिले भी अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे दमोह को हमने लगाया था, नरसिंहपुर लगाया था, होशंगाबाद लगाया था, सीहोर है, देवास है, भोपाल है, उसके बाद आपका इंदौर है। तो अब वो जो पिछला वीडियो पिछला जो बनाया था उसको आप देख सकते हैं आराम से, कटनी आ रहा है, जबलपुर आ रहा है, ठीक है ना। और बाकी तो मुझे दिखी नहीं, ग्वालियर दिख गया, ग्वालियर कुछ लोगों को ग्वालियर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ग्वालियर का मैप अभी देख लो। और कोई भी चाहे कंट्री पढ़े, चाहे वर्ल्ड पढ़े, चाहे आप स्टेट पढ़े, मैप तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, रटा होना चाहिए। धीरे 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 मेरे लेक्चर आप अटेंड करते जाओ, सारे के सारे जिले आपको याद रहेंगे कौन कहाँ पर है। तो अभी हम क्या होता है, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो प्रैक्टिस क्या कराता हूँ, पहले हम क्या करते हैं उत्तरी जिले देख लेंगे। उत्तरी जिले मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया, ये जो ऊपर का मुंडी वाला भाग है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे के याद रखेंगे मध्यवर्ती, पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी। धीरे धीरे आज का हमारा टारगेट क्या था, उत्तरी भाग, उत्तरी जो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, शिवपुरी। बहुत हो गए, इतने बहुत हो गए आज के लिए। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले हमने जो अभी जस्ट बताए थे, हम जो बताए थे यहाँ पर, ये हम जो लगाने वाले थे ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं और हम पहले आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मंडला तक भी, इसमें मंडला भी है। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं हम कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है, कैसे पढ़ाई की जाती है। शिक्षा का स्तर हमने बता दिया, साक्षरता दर बता दी है, बट प्रमुख संस्थान भी पूछे जाते हैं। कई बार पूछा गया है हरसिंगपुर विश्वविद्यालय कहाँ है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो आज हम उसको एक बार में याद करवा देते हैं, बिल्कुल आप नोट कर लो, याद कर लो, इस चीज को बार 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 बार, इस वीडियो को बार बार देख सकते हो आप, एक दो दिन बाद, तीन बार देखिए, रिपीट किया करो यार। आप लोग को मैं रिपीटेशन बता देता हूं, एक तो आपने आज देख लिया, एक वन वीक में, एक 15 डेज हो सके पॉसिबल तो ठीक है, नहीं तो एक वन मंथ में। रिपीटेशन किसी भी वीडियो का बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल फैक्ट याद हो जाए, बट करके देखना एक बार, करना जरूर। राज्य में भारत के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आपको पता होना चाहिए इंदौर एकमात्र ऐसा शहर था जो कि जिसमें सबसे पहले IIM और IIT दोनों मतलब संस्थान जो है एस्टेब्लिश किए गए, ठीक है ना। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय IIT इंदौर, ये दोनों इंदौर में है, तो इसको तो आप नोट कर ही सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप IIM भोपाल यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IIMS भोपाल भी स्थित हो चुका है, IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। देखिए पूछा जाता है बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये वाला है आपका MPPSC का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ISER, जिसको हम बोलते हैं ISER, IISER भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM, ठीक है, IITTM कहां पर है, ग्वालियर में है, बिल्कुल नोट कर सकते हैं ग्वालियर में है, IIFM है कहां, भोपाल में, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां पर है, भोपाल में। तो ये आपको याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक है। एक एक करके, एक पशु चिकित्सालय है, उसकी ब्रांचेस है, एक पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जबलपुर में भी है, जिसके 3 संस्थान जबलपुर, महू और रीवा में स्थित है। नोट कर लो इस चीज को, नोट कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपके लिए, ठीक है ना। प्रदेश की पहली निजी विश्वविद्यालय जो है, प्रदेश की पहली, ध्यान रखिएगा, प्रदेश की पहली निजी विश्वविद्यालय
जेपी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेपी इंस्टीट्यूट गुना, जेपी इंस्टीट्यूट गुना बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये है NIRF के शीर्ष टॉप 100 के 86वें नंबर पर है। देखिए शीर्ष में 86वें स्थान पर है, टॉप 100 में जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है। आपके MHRD मिनिस्ट्री ने ही इसको ऑथराइज किया हुआ है NIRF को, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर डे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डे, जवाहरलाल विश्व आपका हर सिंह और डॉक्टर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। एमपी का पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय भोपाल में है, पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय भोपाल में है। एमपी का चिकित्सालय विश्वविद्यालय है भोपाल में है। एमपी भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला विद्यालय भोपाल में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, इंदौर में है, फेमस यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। डीएवीवी दुर्गावती विश्वविद्यालय, भाई मैं भी यहीं पास आउट हूँ अभी, इसलिए तारीफ तो करनी पड़ेगी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से मेरा पास आउट है, ठीक है ना, मास्टर डिग्री मैंने यहीं से करी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, डॉक्टर आंसर आ गया, उम्मीद है आपने लगा दिया होगा। बट क्वेश्चन नंबर डे, फिर हम दूसरा बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डे हो जाएगा आपका, NIRF का फुल फॉर्म क्या है, बताइए NIRF का फुल फॉर्म क्या है, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर डे, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया, जीवाजी हो गया, हरसिंगपुर हो गया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है ना, नोट कर लो। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, इससे बहुत लोग पीजीटीसीए डीसीए करते रहते हैं। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, एमपी पशु चिकित्सा विज्ञान, देखिए तो हो चुका। तो चलिए अब तो ये आपका हो गया है एमपी, ये आपका सब कंप्लीट हो गया। अब आपको आज का जीके, आई होप सो अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, और आपको सर फैक्ट्स बताए हैं, फ्यूचर में कल भी आपको आना है, कल भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जाएंगे। और शाम को हमारा एमसीक्यूज वाला सेशन है 6 बजे, क्या है उसमें हम एमपी के जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आते हैं उसमें। अब देखिए आज कल की बात हो रहा है, हम अब लाइव आएंगे ना, तो लाइव आपको आना नहीं वाला है, उसमें कोई नो डाउट है, मजा आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, आना। और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस, बिल्कुल अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दें आपको, अनअकैडमी प्लस को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर एमपी के दिग्गज, इंडिया के दिग्गज आपको एमपी पीएससी व्यापम का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और एक ही सब्जेक्ट की मोर देन 2 और 3 फैकल्टीज हैं, तो उनको आपको ज्वाइन करके देखने में बहुत आनंद आएगा, जरूर उसको देखिएगा। और हमारा रेफरल कोड भूल जाना, रेफरल कोड है DT Live, आप भी यूज करें, अपने मित्रों को यूज करवाएं, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स में। एक बार आप एक काम करो, आप कुछ लोग कोर्स पूछते हैं कौन सा कोर्स कराते हैं एमपीपीएससी व्यापम के बारे में आप बताते रहे, तो भाई एक काम करो, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको चूज गोल में जाना, गोल आप करोगे तो सारी एग्जाम्स हैं वहाँ पर, नेट है, गेट है, क्लैट है, स्लेट है, मैट है, नेट है, सब कुछ वहाँ मिलेगा। एमपी टेट के अलावा टेट CT/ATE का भी आपको कोर्स मिलेगा सबके लिए, पर कोड एक ही है DT Live, ये DT Live आप जाओगे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब 24 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा 10,080 रुपीज, यानी 10,000 रुपये मात्र में आपको पूरा 2 साल का कोर्स मिल रहा है, इतना सस्ता कहीं नहीं है। कहीं भी आप कोचिंग संस्थान जाओगे 50-60 हज़ार रुपये खर्च होंगे, आने जाने का समय अलग, रहने खाने का खर्चा अलग, ये सब कुछ लगने वाला है। तो बिल्कुल साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा चैनल पसंद, तो ऑलरेडी अब देखो 6 लाख सुपर सब्सक्राइबर दिए आप लोगों ने, अब हम बस 1 मिलियन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करके वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब के साथ में घंटी दिख रही है आपको, इस घंटी के बटन को दबाना है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में हमारा फीडबैक फॉर्म भी है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिएगा ताकि हमको और इम्प्रूवमेंट की जो भी है आपसे गुजारिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शाम को 6 बजे जरूर आइएगा एमसीक्यूज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।